आप सूरजपुर जिले से आती हैं जी सर, और मूल निवास स्थान सिलफिली है। कुछ बताइए अपने गृहग्राम के बारे में। सर मेरा गृहग्राम सूरजपुर के सिलफिली जिले ग्राम पड़ता है, और सिलफिली ग्राम बेसिकली यहाँ लगभग 500 घर हैं, और यहाँ की मुख्य विशेषता है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी सब्जी मंडी लगती है, आसपास की जो सबसे बड़ी मानी जाती है। और हाल ही में कुछ दिन पहले जो पिलखा मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर था वो शुरू किया गया है, जो कि वहाँ के स्थानीय लोग हैं, चूँकि हमारा जो ग्राम है वहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि और पशुपालन कार्यों में संलग्न है, तो जो पशुपालन के दौरान जो मिल्क वगैरह होते हैं उनके प्रोसेस करके और उनका मतलब प्रोसेसिंग सेंटर है, तो वहाँ के स्थानीय निवासियों को एक अच्छा विकल्प हुआ है। और साथ ही सर वो पिलखा रेस्टोरेंट भी है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वो एक अच्छा पहल है जो हमारे गांव की सबसे विशेषता मानी जाती है। और एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि वहाँ 10th बटालियन है, जो मेरे घर के जस्ट बाजू में ही है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ जो आर्थिक गतिविधियाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसको एक्सप्लेन किया। तो इकोनॉमी में हम तीन सेक्टर्स पढ़ते हैं, तीन क्षेत्र पढ़ते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ तीनों क्षेत्रों में कुछ ना कुछ आप जो कह रही हैं वो चीज़ आ रही है, तो कहाँ कहाँ पर आप उसको प्रेषित करना चाहेंगी तीनों सेक्टर्स में? सर प्राथमिक क्षेत्र में मैं कृषि और पशुपालन को रखना चाहूँगी, और द्वितीयक क्षेत्र में प्रोसेसिंग सेंटर उद्योग को रखूंगी, और तृतीयक क्षेत्र में जो वहाँ जो रेस्टोरेंट है जो सेवा प्रदान की जाती है मैं उसको शामिल करूंगी। चलिए, सेवा की आपने बात की, तो वस्तु और सेवा कर के बारे में कुछ बताएंगी, GST के बारे में कुछ बताएंगी बेसिक? GST 2017 में लागू हुआ, ये बेसिकली जो छोटे छोटे जो कर प्रणाली थी उनको सम्मिलित करते हुए एक अच्छा विकल्प के रूप में लाया गया है, मतलब जो छोटी छोटी कर व्यवस्था थी उसको सम्मिलित करते हुए GST को लाया गया। छोटी छोटी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, तो आप प्रत्यक्ष करों की बात कर रही हैं कि अप्रत्यक्ष करों की? कर दो प्रकार के होते हैं जी सर, इसमें दोनों प्रकार के कर आएंगे या सिर्फ प्रत्यक्ष आएंगे या सिर्फ अप्रत्यक्ष कर आएंगे? मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ सर अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष करेंगे, गुड। अच्छा, आपका वनों के प्रति प्रेम कैसे जागा कि आप इस वन सेवा में आना चाहती हैं? मतलब कहीं ना कहीं आपको वनों से प्रेम है, पेड़ पौधों से प्रेम है, कैसे ये जागृत हुआ? सर मेरा जो गृह ग्राम है वो वनों से आच्छादित है, मतलब वन बाहुल्य क्षेत्र है, तो शुरू से ही जुड़ाव लगा हुआ था। और जब मैंने ग्रेजुएशन के दौरान जब मैं थी तब मुझे प्रशासनिक सेवा में आने का मन था, और मैंने उस टाइम ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है। और जैसे ही मैंने तैयारी स्टार्ट किया उसी के दौरान ही फॉरेस्ट सर्विस आई, तो जब फॉरेस्ट सर्विस के बारे में मैंने जाना कि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा और इससे के विषय मेरे अनुकूल लगे, तो इस वजह से फिर मैं फॉरेस्ट सर्विस की ओर इंटरेक्ट हुई और मुझे मतलब मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया। इसके जॉब नेचर, जॉब प्रोफाइल मुझे अच्छी लगती हैं, इस वजह से मैं फॉरेस्ट सर्विस में आना चाहती हूँ। सर आप सरगुजा विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हैं जी सर, उनकी वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन करता है? सर अनुमान से राज्यपाल। ठीक, भौतिकी रसायन जीव विज्ञान और उसके बाद फिर BSc माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी में आपने क्या क्या अध्ययन किया है? सर माइक्रोबायोलॉजी में बेसिकली हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई 6 सब्जेक्ट्स का नाम बताएंगे अपने जो आपके सिलेबस में थे। मशरूम कल्टीवेशन, एल्कोहल फर्मेंटेशन, बैक्टीरिया ग्रो कराते थे, और DNA RNA बेसिक स्टडी करते थे। सर अभी मैं 4 ही रिकॉल कर पा रही। एल्कोहल फर्मेंटेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल। सर हमने जब पढ़ा था तो बेसिकली हमने जो ग्रेप होते हैं उससे और शुगर केन से एल्कोहल बनाने की प्रोसेस पढ़ी थी हमने, तो उसके दौरान जो गन्ने की फैक्ट्री होती है उसमें शक्कर बनाने के पश्चात जो सह उत्पाद बचते हैं मोलेसिस होती है उसको फर्मेंटेट कराते हैं जाइमेज बैक्टीरिया के द्वारा, उसका यूज़ करके फर्मेंटेट करने के बाद उस फर्मेंटेशन प्रोसेस से फिर वो आगे उससे अल्कोहल बनाने का काम। तो ये बेसिकली इस अल्कोहल का पर्पस क्या था कि फर्मेंटेशन करने का?
मेडिसिनल पर्पस के लिए, एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए? हमने जो किया था वो एक्सपेरिमेंटली यूज के लिए किया था। अच्छा, किचन गार्डनिंग करती हैं आप? जी सर। मतलब ये गार्डन में खाना बनाने जैसा है या कुछ और? सर किचन गार्डनिंग में बेसिकली जो हम किचन में सब्जियां यूज करते हैं वो ग्रो कराते हैं। अच्छा, तो आपने क्या क्या ग्रो किया? सर मैंने मिर्च, टमाटर, धनिया पत्ती, बैगन, लौकी, करेला, ये सब उगाया है सर। चलिए अच्छी बात है। अभी ये मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे कि अभी हम देखते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो रही है, पेस्टिसाइड्स का काफ़ी यूज़ हो रहा है, तो कैसे इंश्योर करें कि जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, संसाधन भी सीमित हैं, तो संसाधनों की पूर्ति भी हो और पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल भी ना हो, तो ग्रोथ भी, पैदावार भी ज़्यादा हो, ये हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? सर इसके लिए जैसे हमारे राज्य सरकार द्वारा एक योजना भी चलाई गई है नरवा गरवा गुरवा बाड़ी के तहत, तो इसके अंतर्गत जो बाड़ी है उसके अंतर्गत जो हमारे ग्राम हमारे घर के पीछे जो शेष जमीन है उसमें हम अपने यूज़ के लिए जो गौठान के तहत जैविक खाद है उसका उपयोग करते हुए जैविक खादों से सब्जियां उगा सकते हैं। साथ ही सर हम जैसे गोबर खाद हो गया, इन खाद का यूज़ करके छत पे भी अपने लिए सब्जियां उगा सकते हैं, तो इससे स्वास्थ्य स्तर काफ़ी अच्छा होगा और कुपोषण की समस्या भी दूर होगी और जो रासायनिक खादों पर हमारी जो निर्भरता है वो कम होगी। सर ज्ञात हो गया, मैं बता देना चाहता हूँ, इथेनॉल तो समझते हैं क्योंकि आपके सब्जेक्ट से ही होते हैं, पर्यावरण से भी संबंधित है, फॉरेस्ट से भी संबंधित है ये चीज। तो केंद्र सरकार की अनुमति नहीं दे रही है, क्या मापदंड है उसका अनुमति देने का आप बता सकते हैं? कुछ इथेनॉल बनाने के लिए अनुमति मांगी गई है, तो अनुमति देने के लिए क्या क्राइटेरिया है? तीन चीजों को ध्यान रखा जाना चाहिए। बता दूं कि फूड सिक्योरिटी में धान का हमारा कितना सरप्लस है और फूड सिक्योरिटी के लिए हमको कितना धान चाहिए, इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार अनुमति देती है कि अगर एक्सेस है, सरप्लस है, तभी वो इथेनॉल बनाने की अनुमति देती है। ठीक, और आपने लिखा है किचन गार्डन, मान लीजिए आपको किचन गार्डनिंग करना है तो आप उसके लिए मिट्टी तैयार करेंगे, साल तैयार करेंगे, उसमें क्या क्या मिलावट मिलाएंगे, क्या क्या कंपोजिशन देंगे? सर किचन गार्डनिंग के लिए मिट्टी बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले कोई भी सामान्य मिट्टी लेंगे जो लगभग 40-50% प्लस होना चाहिए, 50% के आसपास लेंगे, और उसमें हम जैसे जैविक पूरी तरीके से जैविक खेती करना चाहते हैं उसके लिए उसमें 45% तक हम जो गोबर की खाद है जो लगभग 2-3 साल पुरानी हो चुकी है और पूरी तरीके से जो डिकम्पोज हो गई है उसको मिलाएंगे। उसको मिलाने के पश्चात जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आसानी से राख उपलब्ध हो जाता है तो उस राख को थोड़ी सी मात्रा में 2-3% ज़्यादा मिलाएंगे तो वो क्षारीय हो जाएगा। 2-3% मिलाने के पश्चात उसको 4-5 दिन तेज धूप में रख लेंगे और धूप में रखने के पश्चात जो भी घर में जो भी बाल्टियाँ उपस्थित हैं या खाली डिब्बा है उसमें मिट्टी को रख के अच्छे से उसके पश्चात उसमें हम बीज लगाएंगे, या फिर ऐसा कोई प्लांट है जिसके बीज बहुत छोटे हैं तो उसके लिए पहले नर्सरी तैयार कर लेंगे और उस नर्सरी को उस गमले में या ग्रो बैग जो भी है अवेलेबल है या पुरानी बाल्टियाँ हैं उसमें लगाएंगे। वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है बता सकते हैं? अभी जो आपने गौठान का भी जिक्र किया, सरकार गौठानों में वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन करवा रही है, तो वर्मी कंपोस्ट का प्रोसेस आप बता सकते हैं? सर जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो बेसिकली गोबर से और केचुए से बनाया जाता है। जो केचुआ होता है वो गोबर को खाने के बाद मतलब डीकम्पोज करने का कार्य करता है, तो वो केचुए जो होते हैं उसको तेज़ी से डीकम्पोज करते हैं, मतलब जनरली जो गोबर होता है वो डीकम्पोज हो जाएगा लेकिन केचुए का यूज़ करेंगे तो वो तेज़ी से और उच्च की गुणवत्ता करने के लिए क्या मिलाया जाता है? सर गुड़ आप सरगुजा क्षेत्र से आते हैं, ठीक है, सूरजपुर सरगुजा,
वहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि उस रीजन में हाथियों के साथ हाथी मानव संघर्ष चल रहा है, उससे क्या कारण है? सर रामपुर सूरजपुर एडिटर सर भैया, सर हाथी मानव द्वंद का वहाँ मुख्य कारण ये है कि जो सरगुजा सूरजपुर बलरामपुर क्षेत्र है और ये होते हुए झारखंड के सीभूम तक और इस साइड एमपी को लेके एक हाथियों का कॉरिडोर है जो काफ़ी लंबे समय से या प्राचीन काल से ही है। और ऐसा माना जाता है कि हाथियों की जो स्मरण क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और एक दिन में हाथी लगभग 35 से 40 किलोमीटर तक चलते हैं। तो पहले जब था तो पहले ग्रामीण बसावट नहीं थी वहाँ पे और वहाँ भी कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती थी, वन बाहुल्य क्षेत्र था। तो पहले वहाँ हाथी सामान्यतः अपना जो कॉरिडोर है उसका पालन करते हुए वो आसानी से इधर उधर चली जाती थी। अब चूंकि मानव बसाहट हो गई है वहाँ पे, तो मानव बसाहट के कारण उनके जो मार्ग हैं उनमें मानव बस्तियाँ निवास करती हैं। और कई बार अभी जैसे लघु वनोपज संग्रहण के लिए जो वहाँ की वनवासी हैं वो जंगली क्षेत्रों में या जंगल में भी निवास करती हैं, सॉरी वनोपज संग्रहण के लिए जाती हैं। तो इस वजह से भी मानव हाथी द्वंद देखा जाता है और कई बार इसके कारण जैसे हाथी ग्रामीण परिवार जो होते हैं महुए के शराब भी बनाते हैं। तो जो महुए का शराब का जो सुगंध है वो हाथियों को थोड़ा अच्छा लगता है और वो मतलब एक नशा टाइप का फील होता है। तो इस वजह से वो वहाँ के जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ के जो लोग हैं वहाँ के जो पशु हैं उनको हानि पहुँचाते हैं और कई बार उनकी फसलों को भी हानि पहुँचाते हैं। तो फसलों को बचाने के उद्देश्य से भी वो अगर सामने आते हैं तो फिर मानव हाथी द्वंद होता है सर, और कई बार उनकी जानें भी जाती हैं। हाथियों का जो आपके बताए अनुसार हाथियों का जो क्षेत्र है जो उनका नेचुरल मूवमेंट का क्षेत्र है वो कम होते जा रहा है, उसमें अवरोध आते जा रहे हैं, तो इसमें हाथियों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? मानव के ऊपर तो जो पड़ रहा है पर्टिकुलर हाथियों के ऊपर क्या असर पड़ता है? सर वो प्राकृतिक आवास नष्ट होने के कारण उनकी संख्या में कमी आती है। कई बार जो वनवासी होते हैं अपनी सुरक्षा के लिए उन पे वार भी करते हैं, वार करने के कारण उनको खतरा होता है या उनको डैमेज पहुंचती है। एक पर्सपेक्टिव ये है कि उनका नेचुरल जो ब्रीडिंग होता है वो बड़े एरिया में होता है, उनका जो नस्ल है वो अच्छा रहता है। अगर वो ब्रीडिंग का उनका चूँकि एरिया छोटा हो जाता है इसलिए उनकी क्वालिटी भी खराब होती है। मनुष्य पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कुछ अलग एस्पेक्ट हम बताइए, बाकी जो डैमेज है वो तो है कैजुअलिटीज, और कुछ नया एस्पेक्ट हम बताइए। एक एस्पेक्ट ये है कि हाथियों में बहुत सारे वायरस होते हैं जो मनुष्यों के नज़दीक आने के कारण या घरेलू पशु हैं इनमें मतलब सर्कुलेट होता है। सदाबहार वन क्या है? सर सदाबहार वन से आशय ऐसे वनों से है जिनकी पत्तियां वर्ष भर हरी भरी रहती हैं और ये अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिनाते, धीरे धीरे एक एक करके गिराते हैं और ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इस कारण से इनको सदाबहार वन कहते हैं। रोजवुड, महोगनी, एबिनी, बैक्टीरिया का एक सॉल्वेंट है, उसको अगर आप किसी भी पदार्थ में जो बायोडिग्रेडेबल है उसमें अगर आप डालते हैं तो जल्दी से डिग्रेड हो जाता है। जी सर, सर नाडेप विधि खाद बनाने की एक विधि है। इसके अंतर्गत जो जमीन होता है जमीन में हम उसमें पहले 1 मीटर तक गड्ढा करते हैं, गड्ढा करने के पश्चात हम जो भी वेस्टेज होते हैं जैसे प्लांट्स के लीफ हो गए और जो किचन से जो अपशिष्ट बने हैं, कई बार गोबर की खाद भी थोड़ी मात्रा में, ऐसे जो सारे वेस्टेज होते हैं उनको उसमें डालने के पश्चात थोड़ी मिट्टी डालने के बाद
मतलब लेयर बाय लेयर करके उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है, और बंद करने के कुछ सालों पश्चात या कुछ महीनों पश्चात उसको निकाल लिया जाता है। आप जातीय वनस्पति के बारे में बताएं, जातीय वनस्पति इतनो बॉटनी आपके सिलेबस में है, इतनो बॉटनी। हाँ सर, एथनोबॉटनी से आशय मतलब जो वनवासी हैं उनके लिए या हमारे लिए जो महत्वपूर्ण वन है उसके एस्पेक्ट में वनों का यूज़ करना, उनसे औषधियाँ प्राप्त करना एथनोबॉटनी है। कुछ इसके बारे में बताइए, बायोडीजल जो होता है, बायोडीजल मिलने वाले बनाए जाने वाले कुछ पार्कों को नाम बताइए प्लांट्स के जिससे हम बायोडीजल बना सकते हैं। सर एक तो जेट्रोपा है, सर शुगर कैन से भी बनाया जा सकता है। अपने 2018 में बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट कर लिया था एंड अभी हम लोग 2023 में बढ़े, 5 साल में आपने क्या क्या किया? सर 2018 में मैं यहाँ आ गई थी बिलासपुर में तैयारी करने के लिए, और उस टाइम मैं चूँकि अंडर एज थी और कोविड टाइम पे ही फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम आया था, तो ये मेरा पहला एग्ज़ाम था। और उसके पश्चात मैंने इसी बीच 3 प्री हुए हैं, तीनों प्री मैं क्वालिफाइड हूँ। पिछले 2 बार मैं मेंस दी हूँ और मुझे भाग्य से पीएससी मेंस दिया है, और सौभाग्य से मुझे इस बार भी पीएससी मेंस देने का मौका मिल रहा है। और इसके साथ ही इस बीच जो एसआई का पेपर हुआ था उसमें भी मैंने प्री क्वालिफाइड किया है और मैं मेंस के लिए सेलेक्ट हुई। ये बताइए कि आपने सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करी है पीएससी की, और फॉरेस्ट भी आपका सब्जेक्ट भी रहा है, ज्यादा इंक्लिनेशन आपका किस तरफ है, आप कहाँ ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे कि अगर आपको मिलती है अपॉर्चुनिटी ज्यादा एंजॉय कहाँ करेंगे आप, कि आपका कंट्रीब्यूशन वाकई में हो? सर फॉरेस्ट सर्विस में। ठीक, अच्छा छत्तीसगढ़ में कितने फॉरेस्ट सर्विस हैं? टोटल 6 हैं। 6 हैं। ठीक, नाम बताइए। जगदलपुर, सरगुजा, सूरजपुर, सॉरी सर, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, कांकेर, एक मिस कर रही हूँ, छह तो बता चुकी हैं आप, तो छह ही बोले। ठीक है, वन्य जीवन संरक्षण की बात भारतीय संविधान में कहाँ की गई है, किस अनुच्छेद में की गई है? आर्टिकल 48A में। यस, क्या बोला गया 48A में, और एक और जगह 51AG में। ठीक, ठीक है पूजा, आप बहुत सही तरीके से आंसर कर रही हैं, जिन आंसर्स के बारे में आपको नहीं पता है कॉन्फिडेंटली आप नो बोल रही हैं, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी के सब्जेक्ट्स पे जैसा सर ने पूछा, खासकर एथेनॉल और मेथेनॉल, ये बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और थोड़ा सब्जेक्ट नॉलेज पर काम करेंगे आप। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप बता रही हैं कि आपने विविध एग्ज़ाम्स निकाले हैं, तो एक क्वेश्चन ये उठ सकता है कि फिर आप सिर्फ सरकारी नौकरी ही पाना चाहती हैं कि आपका फॉरेस्ट की तरफ इंक्लिनेशन है, तो थोड़ा सा उसको प्रिपेयर करिएगा और उस तरीके से बोलिएगा ताकि आपका इंक्लिनेशन दिखे फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए, क्योंकि आप अभी फॉरेस्ट सर्विसेज के एग्ज़ाम में बैठी हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं बहुत सारे एग्ज़ाम दे रही हूँ, जिसमें भी मेरा हो जाए मैं चले जाऊँगी, क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी रहा है तो वो एक चीज़ है। बाकी कॉन्फिडेंट आप हैं, ड्रेसिंग सेंस आपकी बहुत अच्छी है, और सारी चीज़ों को आप समझ भी रही हैं, प्रश्नों को ध्यान से सुन रही, बस इस चीज पे काम कर लीजिए, बाकी ऑल द बेस्ट है हमारी तरफ से। अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, ऐसे ही नेचुरल लगना है, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, आप अच्छे से कर भी रहे हैं, जवाब भी अच्छा दे रहे हैं। जैसा सर ने बोला, आपका जो बायोडाटा में जो आपका स्पेसिफिक माइक्रोबायोलॉजी दिखाता है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे दो क्वेश्चन मतलब इधर उधर होते हैं, उसमें थोड़ा नहीं समझ आ रहा है, तो बिल्कुल आप स्किप करिए सारी चीज़ें, जरूरी नहीं कि सारे सवालों के जवाब आपको, बाकी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, अच्छा कर रहे हैं आप, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना,
तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।